दोस्तों पूमा के एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूमा के 5 जूते देखेंगे 2000 रुपए के अंदर में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल आपको पूमा का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है भैया 3999, इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। और इस जूते का नाम है पूमा डेयर। आई डेयर यू सब्सक्राइब ना। फटाफट अनबॉक्स करते हैं। ये बहुत पॉपुलर जूता है, मेजरली देखोगे ना काफी क्लीन लुक के साथ आता है। मेजरली इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। पूरी बॉडी आपको मेश की देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको एक बड़ा सा इलास्टिक बैंड देखने को मिलेगा जिसके ऊपर पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि डार्क ग्रे कलर में है। फ्रंट में आपको छोटा सा पुलटैप देखने को मिल जाएगा जहां पर पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बैक में आपको पुलटैप मिलता है, बड़ा सा बैक में आपको लेदर का पैच मिल जाएगा जहां पर भी आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड ना ही इसमें कोई लेस है, ना ही कोई इसमें टंग है। ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत स्लिप ऑन शू आप इसे बोल सकते हो। साथ ही अगर वेट की भी बात करें ना, कागज वागज निकालने के बाद भाई काफी ज्यादा हल्का एकदम एयरी फील होता है। नीचे में आपको ईवीए फोम देखने को मिल जाता है, हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएंगे और उसी ग्रिप में कट करके पूमा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अंदर के अगर इंसोल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नाराजगी बिल्कुल नहीं फील होने वाली, क्योंकि इसके अंदर में आपको पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस देखने को मिलता है। काफी रिलायबल है, ऑलमोस्ट हर जूते में आता है। एंड डेफिनेटली ये ओवरऑल जूता ना भाई एक मस्ट हैव जूता है। साथ ही एक चीज आपको बता दूं कि इसको पहनने के बाद ना आपको ज्यादा अंपी बंपी जैसा फील नहीं होने वाला। कई बार जूते में होता है ना कि पीछे के सोल ज्यादा मोटे होते हैं, फ्रंट से थोड़ा पतले होते हैं। इस जूते में आपको काफी फ्लैटर और रिलैक्स फील होने वाला है। अंदर अंदर तक भाई पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छे से की गई है। ट्रूली एक कंफर्टेबल जूता पूमा ने बनाया है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। डेफिनेटली जाना चाहो हंस के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट पूमा का बॉक्स आ गया हमारे पास में। इसका नाम है भाई पूमा स्मैशिंग और प्राइसिंग है 4499। फटाफट पहले कागज को निकालते हैं। ओवरऑल इसकी भी डिजाइनिंग ना काफी ज्यादा सिंपल, खूबसूरत एंड वर्सटाइल है। पूरी बॉडी आपको प्रीमियम पीयू लेदर की देखने को मिल जाएगी। चारों तरफ आपको बहुत सारी स्टिचिंग्स की डिटेलिंग देखने को मिलेगी। लेस होल्स के साइड में आपको एक एक्स्ट्रा लेदर पैच मिलेगा और आउटर साइड में आपको वही पूमा की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी जो कि टेक्सचर लेदर में है। इसका मतलब ये कि बॉडी में जितने भी आपको लेदर दिख रहे हैं ना वो सारा स्मूथ लेदर है। पूमा की सिल्वर कलर की ब्रांडिंग की गई है जो कि प्रिंटेड है। वेल पैडेड आपको स्मूथ टंग देखने को मिल जाएगा, हालांकि इसमें मेश नहीं यूज हुआ है। पूमा के ऊपर में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साइड साइड की पैडिंग भाई स्नीकर के हिसाब से ना बहुत ज्यादा अच्छी है। इंसोल की अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस देखने को मिल जाता है। बैक में आपको पूमा की एक और ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पूरा रबर का आउटर सोल देखने को मिलता है। नीचे में आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आउटर साइड में आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक ओवरऑल बहुत ही ज्यादा वेल बिल्ड बेस्ट पैकेज ये बन जाता है। सच में अगर आपको एक अच्छा जूता चाहिए ना जो कि 2000 रुपए के अंदर में आए, आपके सारे नीड्स को पूरा करे और एक क्लीन लुक दे, ब्रांडेड हो, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट पूमा का जूता आ गया हमारे पास में। इस बार भाई हमें मिलता है एक नया बॉक्स। बड़ा ही ना सस्टेनेबल रिसाइकल जैसा फीलिंग दे रहा है। नाम है इसका भाई फ्लेक्स फोकस लाइट बेटर निट। लंबा चौड़ा नाम, इतने लंबे तो हम नहीं हुए। प्राइसिंग यहाँ बल्कि 5499 रुपए। बड़ा बड़े से निकालते हैं। और अगर जूते की बात करें ना, जस्ट लुक एट दिस। इस जूते में ना मैं थोड़ा सा झूठा साबित होऊंगा आपके सामने। यू विल बी शॉक्ड ये कितना ज्यादा लाइट वेट है। पूरा जो इसका वेट है ना, जो थोड़ा मोड़ा सा, वो भी इसके आउटर सोल में ही फील हो रहा है। मेजरली इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे, ग्रे एंड ऑफ व्हाइट। आपको समझ में आ रहा है कौन सा कलर कहां पर है। पूरी बॉडी इसकी आपको निटेड फैब्रिक की देखने को मिल जाएगी। निटिंग में जो डिजाइन यूज हुई है वो कमाल की है, स्पोर्टी लुक इसे देती है। फ्रंट में आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर के थ्रेड से है, एम्ब्रॉयडर्ड है। और आउटर साइड में आपको बहुत सारे रबर की कोटिंग के साथ एक और पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल कहें ना तो जूता काफी क्लीन लगता है और ये जूता एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा क्लीन करता है, क्योंकि इसके इनर साइड में वो आपको ग्लोब का रिसाइकल का साइन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर ग्लोब के साइड में देखोगे ना तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन एक बहुत थिन ट्रांसपेरेंट टाइप की ना कोटिंग की गई है यहाँ पर रबर की, जिसके कारण से वो मड से प्रोटेक्टेड रहेगा आपका ये निटेड फैब्रिक। बैक में आपको एक बड़ा सा रबर पैच देखने को मिलता है, पुल टैप देखने को मिलता है, पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ग्रे कलर का आपको लेस देखने को मिल जाएगा। लेस होल्स को अगर देखोगे ना, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सी डिजाइनिंग दी गई है। लेदर पैच को ना राउंड राउंड करके ऐसे करके डिजाइन बनाया गया, बीरोल के थ्रू एक्जैक्टली आप समझ लो। इसका टंग भी पूरा निटिंग से बना हुआ है। फ्रंट में आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। कॉलर कट का जो इसका डिजाइन है ना, काफी ज्यादा सॉफ्ट कुशनी है। और इनसोल में कोई वैसे ब्रांडिंग आपको नहीं मिलती, लेकिन एक अच्छा नॉर्मल सा आपको फोम देखने को मिलेगा। मेनली अगर इसके आउटर सोल को देखोगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप का डिजाइन इस बार पूमा ने दिया है। फ्रंट से थोड़ा सा थिन है, बैक होते होते भाई
एकदम चौड़ा हो जाता है और एक स्पोर्टी सा ना यहाँ पर पैटर्न आपको फ्लो होते हुए दिखेगा। वैसे है तो ये ईवीए फोम अच्छी क्वालिटी का, लेकिन पूमा ने इसे नाम दिया है पूमा लाइट। नीचे की तरफ आपको हार्ड रबर ग्रिप तो मिलता ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में और बैक में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही पूमा की ब्रांडिंग के ऊपर में आप देखोगे तो बहुत सारे ना आपको कट्स देखने को मिलेंगे, जो कट्स आपको फ्रंट में भी देखने को मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे कट्स ना जूते को बहुत अच्छे से फ्लेक्स होने में हेल्प करते हैं। वैसे एक छोटी सी बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, जो कि पहले वीडियो में मैं दिया करता था, अगर कोई भी जूता फ्रंट से सिर्फ मुड़ता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई दुकानदार जाके बोल रहा है यार देखिए भैया बीच से कितना बढ़िया से मुड़ रहा है, ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेकार चीज होती है। जूता हमेशा जब मुड़े तो फ्रंट वाले एरिया से ही फ्लेक्स करना चाहिए, जहां से आपके पैर फ्लेक्स होते हैं। ओवरऑल पहनने में कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। सीधी वर्ड में कहूं ना, जूता बहुत ज्यादा वेल बिल्ड है, लेकिन इस अमेजिंग जूते के लिए ना आपको थोड़ा सा और प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अपना 2500 रुपए। देखो अब अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया, आई नो 2000 के अंदर की वीडियो है, लेकिन क्या करें, अच्छी चीजें आपको सजेस्ट करने से ना हम पीछे रह ही नहीं सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा पूमा का जूता आ गया हमारे पास में। लेकिन जब ऐसे सड़े से डब्बे में आपका जूता है तो समझ लो अंदर का जो डब्बा है वो डब्बा नहीं अब्बा डब्बा चब्बा हो गया है, कुछ चबा गया भाई, क्या पतला बना दिया इसे। नाम है इसका भाई पूमा प्रो पेलिक्स और प्राइसिंग है 4499। लेट्स अनबॉक्स दिस, बोल ही नहीं सकते, लेट्स गिव अ न्यू बर्थ। ना पोंडा का मुंह से निकली हुई उल्टी लग रही है। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस। अरे जूते के हिसाब से मैंने कपड़ा थोड़ा सा गलत पहन लिया, कलर मैच कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट कागज को निकालते हो। और वेट की बात करें ना, डेफिनेटली भाई देखो प्राइस हल्की है, लेकिन जूता भारी नहीं हो रहा, जूता भी काफी ज्यादा हल्का है। कलर की बात करें तो भाई देखते साथ आपको पता चल गया पूरा डार्क ग्रे कलर का जूता है। पूरी बॉडी आपको मेश की देखने को मिल जाएगी, काफी क्वालिटी वाली मेश आपको इसमें मिलती है। वेंटिलेशन में भाई तड़ातड़ हेल्प होगा, साइड साइड में आपको रबर की चारों तरफ कोटिंग देखने को मिल जाएगी, और उसी रबर कोटिंग से यहाँ पर पूमा का स्ट्रिप भी डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखो लेदर प्रीमियम वेट यूज नहीं होता, क्योंकि भाई कॉस्ट कटिंग करना भी तो जरूरी है, ब्रांड का नहीं तो पचेगा नहीं खाना। ग्रे कलर आपको लेस देखने को मिल जाएगा, मेश का आपको टंग मिलता है, पूमा की आपको ब्रांडिंग मिलती है, पीछे पुल टॉप मिल जाएगा, एक बड़ा सा आपको पैच मिलता है जो कि स्वेट जैसा आपको फील होगा, लेकिन है ये एक सिंथेटिक स्वेट। ऊपर में आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी विच इज प्रिंटेड, और पूरा ईवी आउटर सोल देखने को मिलता है, क्वालिटी अच्छी है। बैक की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा थीम को मैच करते हुए बैक वाले पोर्शन को ब्लैक पेंट किया गया है। नीचे की तरफ देखिए तो ऐसा लगेगा आपको देखकर कि यहाँ पर हार्ड रबर ग्रिप है, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ड रबर ग्रिप इसमें नहीं आपको मिलता, पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन ग्रिपनेस मेरा भाई कोई कमी नहीं है, तो वो हार्ड रबर ग्रिप की जो कमी है वो फील नहीं होगी आपको। इनसोल की क्वालिटी की बात करें थोड़ा सा इसमें लो क्वालिटी आपको मिलता है, मतलब समझो ना कि वो सॉफ्टनेस कम है, लेकिन रिलायबिलिटी में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया ब्रांड की तरफ से। ओवरऑल एक सिंपल क्लीन कैजुअल ऐसा जूता है जिसे आप पहनकर थोड़ा सा दौड़ भी सकते हो, वॉक भी कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो। लेस होल्स के साइड में आपको रबर की कोटिंग देखने को मिल जाएगी, फ्रंट में आपको पूमा की छोटी सी ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ऐसी छोटी छोटी टन ऑफ डिटेल्स है ना जो कि पूमा हंस के आपको दे देती है बहुत कम प्राइस में। बाकी अगर आपको ये जेन्युइन रिव्यू अगर अच्छा लग रहा है ना, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये सारे वीडियोस स्पॉन्सर्ड नहीं होते, हम दिल से आपके लिए बनाते हैं अपने पैसे खर्च करके, ताकि आपको वैल्यू मिल सके। ऑलराइट, नेक्स्ट द लास्ट जूता है हमारे पास में, फटाफट से निकालने से पहले इसका नाम पढ़ लेते हैं। प्राइसिंग, तीन जूता खोल लिया, तीनों में 4499, एक ही खानदान का तो नहीं है। नाम है इसका भाई पूमा जेट फ्लाई, देखते हैं उड़ता है कि नहीं, लेकिन कलर तो भाई वाव लग रहा है, डेफिनेटली हल्का जूता है। पूरी बॉडी में आपको कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लू पाउडर ब्लू और व्हाइट कलर, इसकी भी पूरी बॉडी मैच के बनाई गई है। वेंटिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रंट में आपको पीयू का पैच मिलता है, लेस होल्स के साइड में पीयू का पैच मिलता है, फ्रंट वाला पीयू का पैच और लेस होल्स के साइड वाला पीयू का पैच थोड़ा सा डीप ब्लू कलर देखने को मिलेगा, वहीं बैक वाले पीयू पैच में ना पाउडर ब्लू कलर यूज किया गया है। एक चीज भाई मिसिंग है, वो टुंगटुंगिया यानी पुंगिया आई मीन फुल टैप, जो की होता तो काफी अच्छा होता। आउटर साइड में आपको पूमा की वो स्ट्रिप्स की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी, जो की रबर कोटिंग के थ्रू की गई है। रबर कोटिंग होता है ना तो दोनों तरफ चिपका देते हैं, लेकिन वही अगर लेदर लगाएंगे ना एक ही साइड देंगे, वो भी आउटर साइड का ही अड़ कहीं का। मेश कपूर आपको टंग देखने को मिल जाएगा, पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टंग होल्डर देखने को मिलता है, आउटर साइड में पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड साइड की बैटिंग वाटिंग भाई जबरदस्त है, और इनसोल में भी आपको वो क्वालिटी फील होने वाली है। सिंपल है, नॉर्मल है, और कुछ चीजें नॉर्मल ही होना तो ज्यादा अच्छा होता है। आउटर सोल में आए तो यहाँ पर आपको ईवे फोम देखने को मिलता है, हालांकि बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी आपको फील नहीं होगी, इससे अच्छी फोम की क्वालिटी ना डेफिनेटली आपको एशियन में आजकल देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, पूमा का भाई अपना ब्रांड लुक होता है, डिजाइन भी उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। फ्रंट में आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, चारों तरफ डिजाइनिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नीचे आपको कोई हार्ड वर्क ग्रिप नहीं मिलता, लेकिन ग्रिपनेस में भी आपको कोई कमी फील नहीं होने वाला। बाकी ओवरऑल जूते को पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। अब देखो, कहने को तो आप इस जूते को कैजुअली भी पहन सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्पेशली इन जूतों को अगर आप जिम में, अपने स्पोर्ट्स में, वॉकिंग के टाइम पहनोगे तो ज्यादा अच्छा
अच्छा लगेगा इसके कलर के हिसाब से। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।